हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधवश्री पॉइंट। हाल ही में दीक्षा पर 16 नए प्रशिक्षण आए हुए हैं, जिसकी अंतिम तिथि है 30 सितंबर 2021, जिसमें पहला कोर्स है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। तो ये जो सारी ट्रेनिंग्स आई हुई हैं, इन सारी ट्रेनिंग्स में हर ट्रेनिंग का सब पार्ट है और हर सब पार्ट की प्रश्नोत्तरी अलग अलग है। तो इससे पहले जो प्रश्नोत्तरी 1 थी वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, वीडियो अपलोड हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग जो सेकेंड प्रश्नोत्तरी है, स्वच्छता व्यक्तिगत एवं विद्यालय, इसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, विद्यालय में मिड डे मील के में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो आपके ऑप्शंस हैं, भोजन हाथ धोकर ही पकाएं, साफ बर्तनों का प्रयोग करें, और तीसरा है सब्जियों को अच्छे से साफ करें। तो ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय में शौचालय की सफाई कब होनी चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रोजाना, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में मैदान की सफाई कब होनी चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, रोजाना। अगला प्रश्न है, विद्यालय में जल की व्यवस्था कब होनी चाहिए? तो आपके ऑप्शंस हैं, साफ नल होना चाहिए, टंकी में नल होना चाहिए, थर्ड है टंकी की नियमित सफाई होनी चाहिए। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी करना चाहिए। अगला प्रश्न है, खांसी आने पर क्या करना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मुंह पर हाथ या रुमाल रखना, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में कक्षा कक्ष की सफाई कब होनी चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, रोजाना। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में उपचार के लिए क्या होना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, फर्स्ट एड बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय जाना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं, रोज स्नान करके, सेकंड साफ यूनिफॉर्म पहनकर, और थर्ड है बाल कॉम करके। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों को किस समय साफ करना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं, सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले, एक दो दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वच्छता से क्या उदाहरण है? तो आपके ऑप्शंस हैं, दांत साफ करना, रोज स्नान करना, और नाखून काटना है। तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वच्छता से क्या लाभ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, ये सभी, यानी कि स्वस्थ रहते हैं, रोगमुक्त रहते हैं, मानसिक तनाव नहीं होता है। तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। अगला प्रश्न है, यूनानी भाषा में हाइजिया किसको कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, स्वास्थ्य की रक्षा की देवी। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वच्छता से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, अपने आप साफ रखना। अगला क्वेश्चन है, हाइजीन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, हाइजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइजीन ना शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यूनानी। तो फ्रेंड्स, ये थे 15 के 15 क्वेश्चन, और 15 के 15 क्वेश्चंस करेक्ट हैं। तो आपका स्कोर आएगा 15/15। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।